किसी एक द्रौपदी की कहानी नहीं कह रहा हूं मान्यवर, हमारे यहां नित्य प्रति रोज द्रौपदियों की कहानी होती है। हम लोग रोज भागवते सुनते हैं, रोज इतिहास पुराण पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है मतलब की बातें हम सुनना ही नहीं चाहते, उन पर अमल करना ही नहीं चाहते। एक द्रौपदी की कहानी नहीं, अखबार में रोज द्रौपदियों की कहानी छपती है, टीवी की हेडलाइंस में रोज द्रौपदियों की कहानी आती है। इस भारत का दृष्टिकोण युवाओं पर टिका है। पहले के युवा थे, लक्ष्मण जी से पूछा सुग्रीव ने कि ये कुंडल पहचानते हो, इन कुंडलों की पहचान है तुम्हें? बोले किसके हैं ये, मुझे ऐसा लगता है जानकी जी के हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, सेवक हूं मैं बिछुओं का कुंडल की कोई पहचान नहीं, पर नाथ शकुनी अच्छा है, खड़कर है तीर कमानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में। मैंने कुंडल की ओर दृष्टि नहीं डाली। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण ने सीता जी का सौंदर्य ना देखा हो, सौंदर्य मात्र स्वरूप में देखा था। आज जैसी स्थिति नहीं है, आज रिश्तों की धज्जियां उड़ गई। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं गलत कहता हूं क्या? आज रिश्तों की मान मर्यादा खत्म हो गई, कोई रिश्तों को निभाना नहीं जानता, कोई रिश्तों का कदर कायदा नहीं जानता। ऐसे ऐसे भद्दे टीवी चैनल पे गाने आते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऐसे ऐसे चित्रण आते हैं कि परिवार के साथ धज्जियां उड़ जाएंगी उनको सुनने में। हमारा देश सतियों का देश रहा है, बोलो किसका देश रहा है, बोलो किसका रहा है, सतियों का। लेकिन हमारे देश की आज की पीढ़ी को सती चरित्र नहीं, उसको सती चरित्र सुनने में लज्जा आती है, रतियों के चरित्र सुनने में उसका स्वाभिमान ऊंचा होता है। तो वो मैं उसे कहना चाहूंगा, अगर आपने बहुत जल्द अपने कदम वापस नहीं खींचे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ वो आचरण करेगी कि आपकी आंखें देखना पसंद नहीं करेंगे। भारत का इतिहास है, लाखों सिया चुराई थी, रावण ने सिया चुराई थी, हनुमान जी भी युवा थे तब सोने की लंक जलाई थी, अब लाखों सिया चुराई है तुम लंक जलाना भूल गए, कहां गई वो शक्ति? वो शक्ति है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र पुराण वेद इतिहास का अध्ययन करना हमने बंद कर दिया। हमारे यहां क्या हुआ करता था, शेर के दांतों को गिन के गिनती सीखी गई है, भरत जी ने शेर के दांतों से गिनती सीखी है। नचकेता गया था यम के दरबार में उत्तर मांगने, वो भी भारत का युवा था, लेकिन हमारी स्थिति खराब हो गई, रिश्तों की मान मर्यादा समाप्त हो गई। आज भी चर्चा हो रही थी, एक गीत बहुत भद्दा चला है तो नहीं चलना चाहिए, उस दिन यहाँ भी बजा था, रोका गया था, वो उसमें माता बेटे का संबंध ही खत्म कर दिया। वो है कि मेरे जेठ का लड़का मां बाप, और लोग इसको बड़ा चाव से सुनते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि ये रिश्ता है किसका। आज के वहां से कहूंगा ये स्वामी विवेकानंद का देश है, इसे भारत ही बना रहने दो, इसको इंडिया बनाने की कोशिश मत करो। अंग्रेजी गलत नहीं है, अंग्रेजियत गलत है। अगर अंग्रेजियत में आप जीते हैं तो आप महान दोष के भागी हैं। अंग्रेजी गलत है मान्यवर, अंग्रेजी गलत नहीं, अंग्रेजियत गलत है। भारत का इतिहास तो पहचान, आप किस देश में रहते हो? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के हॉल में जाकर हिंदुस्तान का डंका बजाया था, हिंदुस्तान की मर्यादा को ऊंचा किया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में किसी ने पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है इन नए लोगों से कोई पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा है? स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली मालूम है? नहीं मालूम, पुराने लोगों को सब पता है, पढ़िए इसको। स्वामी विवेकानंद उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए, जीने के लिए अधिक 80 साल की उम्र नहीं चाहिए, 26 साल के भगत सिंह और 29 साल के विवेकानंद जैसी उम्र हो, 80 वर्ष की गली जिंदगी से अच्छी वो है। क्या सोचते हैं हम भारत के बारे में? स्वामी विवेकानंद जी से कहा गया अमेरिका के शिकागो में, बोलने गए जीरो बोलने के लिए, जीरो पे वो 3 दिन बोल गए। किसी अंग्रेज ने एक पत्थर ला के रख दिया सामने, लो स्वामी जी इसकी पूजा करके तब बोलना, मजाक उड़ाया, क्योंकि वो हम लोग जैसे कपड़े पहने थे भारतीय परिधान, तो उन्होंने वो पत्थर उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा आपने फेंक क्यों दिया, आपके यहाँ तो कंकड़ कंकड़ शंकर है। बोले हाँ मैं इसकी पूजा करता अगर ये भारत का कंकड़ होता, क्योंकि मेरे भारत की भूमि तो वो भूमि है जहाँ गलती से भी किसी पत्थर पर सिंदूर और तेल गिर जाए वो भी हनुमंत लाल बन जाता है। बोलो राधे कृष्ण। न जाने स्थिति कहां से,
टीवी चैनल खोला, क्या आ रहा है? महाभारत आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ, द्रौपदी का चीर खिंच रहा है। लज्जा आनी चाहिए वो दृश्य देखते हुए। रोष नहीं आता क्या आप लोगों को? किसी एक द्रौपदी की कहानी नहीं है, भारत माँ की कहानी है, प्रत्येक भारत माँ की बेटी की कहानी है, प्रत्येक भारत माँ की माता की कहानी है। ये किसी एक द्रौपदी की कहानी नहीं है। हमारे देश में पूर्वी सभ्यता से ओतप्रोत हमारा भारत और पश्चिमी सभ्यता के नशे में डूबा हुआ इंडिया, इंडिया के लोग हैं उनके भारत के, बताओ हम भारत के लोग हैं इंडिया के? अरे बोलो ना, आज भारत का डंका पूरे विश्व प्रपंच में बज रहा है, शक्तिशाली देशों में एक होने जा रहा है, एक गर्व की बात है। नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालय हमारे यहाँ हुआ करते थे, क्यों जलाए गए? क्योंकि अंग्रेज और मुगलों को उसमें कुछ समझ में ही नहीं आया, उसकी जो डिक्शनरियां थी, उसकी जो पांडुलिपियां थी। आज जहाज किसने बनाया? रॉबर्ट्स ब्रदर का नाम होता है, गलत। हमारे यहाँ के शास्त्री जी थे, उन्होंने जहाज को बनाया। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ के जयचंदों की कोई कमी नहीं है। जयचंद के दुष्ट द्रोह का ये फल है, हुआ था अंधेरा पर समझ सवेरा ना आया। मैं आज के युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा, आप इस राष्ट्र के भारत के कर्णधार हैं, कल वृद्धावस्था आप पे भी आएगी। कुछ ऐसा काम कर जाना जो लोग आपका नाम लें। हम भारत के रहने वाले हैं। यहाँ डाल डाल पर, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर ताल अपना देना, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ ताल ताल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता बाजरंगी और हसी खुशी का, बाजरंगी और हसी खुशी का चारा बोले थे।
तेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ काल काल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का तब तक लगता देना, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक शिष्या रहा करती थी, सुन ले हो? उसका नाम था निवेदिता, भगनी निवेदिता। जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं, अत्यंत सौंदर्य की प्रतिमा, सौंदर्य का उदाहरण, अत्यंत सौंदर्य। तो लोगों ने स्वामी जी पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। राजस्थान के राजा उनके शिष्य थे, उन दिनों राजस्थान के राजा से कहा तुम्हारे गुरु जी आ रहे हैं, ऐसे को गुरु बनाया है तुमने, वो भगनी निवेदिता के साथ रहते, उनका चरित्र अच्छा नहीं है। बोले कि परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। तो राजा ने कहा परीक्षा ले लो, लोग मान गए। और परीक्षा लेने वाले भी बड़ा अच्छे थे, उन्होंने उस राज्य की राज नर्तकी को बुलाया, उससे कहा तुझे इनका ब्रह्मचर्य नष्ट करना है। वो राज नर्तकी आई झीने पारदर्शी वस्त्र पहन के, उसने नृत्य करना प्रारंभ किया, दरबार लगा था। जैसे ही नृत्य विश्राम हुआ, घुंघरू टूटे, स्वामी विवेकानंद दौड़े दौड़े गए उस नर्तकी के चरणों में, घुटने टेक के हाथ जोड़ के बोले जय भद्रकाली माँ, तेरा एक यवि रूप है काली माँ, तूने इस रूप में दर्शन देख के मुझे धन्य कर दिया। और विश्वास मानिए उस नर्तकी के स्तनों से दूध की धार निकली, और पता है उसने अंतिम में कौन सा पद गाया था? उसके भी नेत्र छलक आए। उस दिन से उसका वो नर्तकपन छूट गया, उसने पद गाया प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। सुना है ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। त्यागियों का देश रहा है। नौ से बड़ी कोई संख्या है क्या? नौ से आगे क्या है? जीरो, कुछ नहीं और सब कुछ। एक के आगे लगा दो एक, पीछे लगा दो दस, तो जीरो किसने खोजा? आर्य भट्ट, तुलसी सूर कबीरा, आर्य भट्ट महावीरा, जीरो खोजा। कहां से आए थे आर्यभट्ट? भारत के थे। दशमलव किसने खोजा? भारत ने खोजा। और दशमलव जीरो नहीं होता तो चांद तक की दूरी अपना आप नहीं काट पाते। बोलो राधे कृष्ण। भारत को भूल बैठे हम, वो लोग शिक्षा लेने यहाँ आते हैं और हम उनकी शिक्षा लेने वहां जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज भी अमेरिका के अंदर हमारे भारत के, और भारत छोड़ो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश छोड़ो फैजाबाद के सैकड़ों इंजीनियर अमेरिका के न्यू जर्सी सिटी में इंजीनियर हैं। हम भूल बैठे हैं अपने आप को, हम भूल बैठे हैं। क्यों नहीं मानते कि हम भारत की इस मिट्टी से पले बड़े हैं? वही द्रौपदी की कहानी है। द्रौपदी भारत की मर्यादा लुटने जा रही थी, पतियों ने सब नीचे कर लिए, दौड़ी दौड़ी पितामह भीष्म के पास गई। पितामह आपकी नजरें एक बार उठ गई ना, तो इन किसी की औकात नहीं है कि मेरे ऊपर हाथ डाल जाए। आपने हाथ में धनुष ले लिया तो सब राजा यहां से भाग खड़े होंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता है। पितामह भीष्म ने सिर नीचे किया और बोले